जिले की नगर परिषद बड़ा गांव धसान जतारा और खरगापुर में शनिवार को अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन हुआ। तीनों ही नगर परिषदों में भाजपा ने कब्जा जमा लिया है। खरगापुर और बड़ा गांव में पूर्व में ही भाजपा का कब्जा था, जबकि जतारा में भाजपा ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद छीन लिया है। यहां कांग्रेस के वर्तमान जिला अध्यक्ष नवीन साहू की पत्नी कमला साहू अध्यक्ष थी। कुल मिलाकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अपने गृह नगर की सीट नहीं बचा सके। तीनों नगर परिषद में भाजपा ने निर्विरोध अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाने की रणनीति तैयार की थी। हालांकि नगर परिषद बड़ागांव धसान और खरगापुर में भाजपा निर्विरोध अध्यक्ष बनाने में कामयाब रहे, जबकि जतारा में निर्वाचन प्रक्रिया में भाजपा के अनुराग सुनील नायक ने 3 के मुकाबले 12 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। अध्यक्ष के निर्वाचन के दौरान जो पत्रकारों को मीडिया सेंटर तक मोबाइल का अलाउ नहीं है, उसमें आप क्या मानते हैं कि कोई धांधली होने की आशंका है क्या? 100% धांधली होने की आशंका है, केवल मात्र जतारा में नहीं, अभी जिला पंचायत के जो चुनाव टीकमगढ़ में हुए उसमें भी यही हुआ। आज प्रशासन अपने तरीके से मनमानी करने पे आमदा है, सब जगह यही है, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग धांधली करने का प्रयास कर। कितने पार्षद यहाँ बीजेपी के हैं, कितने कांग्रेस के हैं? हाँ, बीजेपी और कांग्रेस में और निर्दलीय, हमारे यहाँ निर्दलीय की भी संख्या, बीजेपी की संख्या और कांग्रेस की संख्या, और उसमें जो लोग हैं अभी आपको रिजल्ट पता चलेगा, और चुनाव भी हमारे प्रत्याशी ने फॉर्म अपना भर दिया है, उसका नामांकन दाखिल हो गया है, उस समय में आपके सामने रिजल्ट आएगा। जो प्रणाली अंदर चल रही है नियम पूर्वक चल रही है क्या? बिल्कुल नियम पूर्वक नहीं चल रही, यही तो मैं बता रहा हूँ आपको, यही हम कहना चाहते हैं कि समूचे मध्य प्रदेश में सत्ता का जो दुरुपयोग हो रहा है ये आमजन भी देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं। मीडिया चौथा स्तंभ मानी जाती है, मीडिया के साथ जो किया जा रहा है, मीडिया आप लोगों को ये समझना है कि आपको वहाँ होना चाहिए क्योंकि निष्पक्ष चुनाव हो, और आज आपको उससे आपके अधिकारों से वंचित जब किया जाए तो ये आपको भी लड़ाई लड़ना चाहिए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।